कंटिंजेंट एम्प्लॉयज ने आज श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उन्हें वेतन जारी करने की मांग की। इस अवसर पर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वह घाटी के स्कूलों में कंटिंजेंट एम्प्लॉयज के तौर पर कार्य कर रहे हैं, पर उसके बदले में उन्हें सरकार द्वारा जो वेतन जारी किया जाता है वह बहुत कम है, लिहाजा वह सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत वेतन जारी किया जाए ताकि वह अपने परिवारों का गुजारा चला सके। मगर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में यह मामला सामने आया है कि उनको कोई भी वेजेस जो ये क्लीनिंग करते हैं, स्वीपिंग करते हैं या वॉच एडवार्ड करते हैं वहाँ पे, उसकी देख रेख स्कूल की करते हैं, प्रोवाइडेड कि ड्यूरिंग टर्माइल जब मिस्क्रेंट्स ने यहाँ पे स्कूलों को जलाया, इनके खिलाफ FIR भी लगे, इनको सरकार ने जिम्मेदार ठहराया उस वक्त। लेकिन जब सरकार ने इनको जिम्मेदार ठहराया उसके बावजूद भी सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ये नहीं लेती है कि इनके लिए कोई कुछ जो है मंथली जो मिले वेजेस मिले 100, 200, 300, 311 इस वक्त मिनिमम वेजेस एक्ट चल रहा है, हम चाहते हैं कि 311 रुपये इनके लिए जो इंप्लीमेंट हो। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने पिछले साल भी वर्थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार साहब ने, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने, सारे अफसर साहब ने इनकी भरपूर हिमायत की और इनका एक प्रपोजल महकमा फाइनेंस में भेजा, लेकिन फाइनेंस ने वो टर्न डाउन किया। किन वजूहत पर किया आज तक हमें मालूम नहीं हुआ। इसलिए इस बार फिर से बजट है, हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम जो आज ये इसलिए है ताकि महकमा फाइनेंस तक ये बात पहुँचे कि महकमा तालीम जो आपको प्रपोजल भेजे उसको अप्रूव किया जाए, जो स्कूलों की देख रेख है, साफ सफाई है, बाकी है, उसमें आप भी कलीदी रोल अदा करें ताकि